नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूँ मैं यहाँ पर जेटेड परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो बताते चले, यदि झारखंड में जेटेड परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर है। बहुत जल्द जेटेड का विज्ञापन आपको आ जाएगा और आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही विज्ञापन आता है तो बहुत से तरह के यहाँ पर जो है बाजारू किताबें आ जाती है। आप सभी क्या करते हैं, बाजारू किताब लेकर के पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इस बाजारू किताब से आपको यहाँ पर एक दो प्रश्न भिड़ जाए तो काफ़ी होता है, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं आप, उसका रिजल्ट आपका जीरो आता है। तो करना क्या है, देखिए आपको बता देते हैं। यदि आपको सामाजिक विज्ञान शिक्षक की आप तैयारी कर रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान जो कि आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक कह लीजिए और अर्थशास्त्र, यहाँ से 60 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। वो भी किसके स्तर के होंगे, तो जेसीईआरटी जैक की जो किताब होती है उसे 10th स्तर के होंगे। तो आप या तो देखिए आपके पास किताब अवेलेबल है तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए, या नहीं पढ़ पाते हैं तो यहाँ पर देखिए जेसीईआरटी जैक का पूरा नोट्स कंप्लीट 6 to 10 आपका बना हुआ है। यहाँ से यदि आप देखते हैं तो आपको 60 में से 35-40 प्रश्न जो है आपको यहीं के हैंड रिटन नोट से ही आपको मिलेंगे, ठीक है। और देखिए इसके लिए यहाँ पर कॉस्ट भी आप लोगों के लिए बहुत ही कम रखा गया है। आप यहाँ पर देखिए, अगर पहले 100 कैंडिडेट का ऑफर रखा गया है, आप 500 रुपये में अभी सामाजिक विज्ञान के लिए शिक्षक के लिए जुड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब यह सीट फुल हो जाएगी तो आपको यहाँ पर लगने लगेंगे 1000। तो आप यदि चाहते हैं तो पहले आओ और पहले पाओ के तर्ज पर अभी यहाँ पर जो है आप 500 रुपये में अपना रजिस्ट्रेशन फुल टाइम करवा सकते हैं और यह लाइफ टाइम होगा, ठीक है। इसमें क्या मिलेंगे आपको, तो आपको सबसे पहले PDF मिलेगा, उसके बाद उसका वीडियो मिलेगा और उसके बाद आपको बात करने की सारी सुविधा मिलेगी। और यहाँ पर जो विभिन्न राज्यों में अब पात्रता परीक्षा हुई है उसका सारा जो है प्रश्न पत्र यहाँ पर आपको करवाया जाएगा, सॉल्व करवाया जाएगा। तो आप अगर यहाँ पर जुड़ते हैं तो आपको 101% जो है आप यहाँ पर 60 से 70% मार्क्स आपके अवश्य आएंगे जेटेड परीक्षा में। तो आप अगर 60 से 70% मार्क्स लाना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। गोला समुदाय के लोग कहाँ रहते थे, ठीक है। देखिए ये जो चैप्टर है वो चरावाह से संबंधित है, चरावाह की प्रजाति से संबंधित है यह चैप्टर, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ से 2 प्रश्न आ रहा है आपको, ठीक है। तो गोला समुदाय के लोग कहाँ रहते थे आपको बताना है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, हरियाणा में या पंजाब में, ठीक है। देखिए तो गोला समुदाय के जो लोग रहते थे वो कहाँ रहते थे, कर्नाटक, कर्नाटक दिया हुआ है बी में। और देखिएगा वहाँ पर रहते थे किस में, तो देखिए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में किस प्रकार के समुदाय रहते थे, चरवाहों का समुदाय। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में गोला समुदाय के लोग रहते थे, कुर्मा समुदाय के लोग रहते थे और कोरबा समुदाय के, ये 3 समुदाय के लोग जो है कहाँ रहते थे, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में रहते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है गद्दी रहते हैं, गद्दी भी क्या है, ये एक चरवाहा की प्रजाति है। तो गद्दी कहाँ रहते थे, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश में या कर्नाटक में। तो ये गद्दी जो चरवाहों की प्रजाति है ये कहाँ पर रहते थे, तो गद्दी जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश की प्रजाति है। गद्दी कहाँ की प्रजाति है, हिमाचल प्रदेश की प्रजाति है। गुज्जर बकरवाल रहते हैं, गुज्जर बकरवाल लोग कहाँ रहते थे आपको बताना है, ये गुज्जर बकरवाल जो प्रजाति है आपके चरवाहों की ये कहाँ रहते थे, बहुत ही MBBI प्रश्न है और ये प्रश्न एक बार आ गया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, गुजरात में या हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर गुज्जर बकरवाल रहते थे। गुज्जर बकरवाल जो है आपका जम्मू कश्मीर का प्रजाति है, जम्मू कश्मीर में ज़्यादा करके ये लोग रहते हैं। हिमालय के अधिकांश चरवाहा समुदाय में निम्न में से कौन सी समानता पाई जाती है, जो हिमालय में चरवाहा समुदाय रहते थे उनमें क्या कुछ समानता पाई जाती है। वे लोग मूल रूप से घुमंतु होते हैं, तो बिल्कुल सही है, चरवाहा समुदाय जो था वो बिल्कुल क्या था, घुमंतु था, वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहता था, ये क्लियर है। अगला है ये लोग चक्रीय रूप से स्थान बदलते रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं वो ठंडे में जो है यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र से उतर करके समतली मैदानी इलाकों में आ जाते थे, और यहाँ पर जो गर्मी का क्षेत्र होता था तो वे ऊपर पहाड़ों पर चले जाते थे, तो इस तरह ये चक्रीय रूप से घूमते रहते थे। ये लोग चरवाहा समुदाय के लोग हैं, बिल्कुल सही बात है, ये जितने समुदाय हैं वो लोग चरवाहा समुदाय के लोग हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। रायका यदि आप 6 से 8 सामाजिक विज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए इतिहास, भूगोल, नागरिक जो भी होगा वो आप जैक की किताब JCERT टेक्स्ट बुक का हैंड रिटन नोट्स ही परीक्षा के लिए केवल देखेंगे, बाकी चीज़ें आप नहीं देखेंगे, नहीं तो आपके समय की बर्बादी के साथ साथ आपका रिजल्ट भी खराब हो जाएगा। और अगर आप 1 to 5 के अंतर्गत सामान्य अध्ययन की तैयारी करना चाह रहे हैं तो भी आपको यहाँ 6 to 10 तक का आपका SST सेक्शन और साइंस सेक्शन दोनों का JCERT और जैक की किताब को देखना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि जैक जो भी परीक्षा लेगी वो आपका यहाँ पर JCERT टेक्स्ट बुक का हूबहू यहाँ पर लिखा हुआ प्रश्न रहता है। इसलिए आप सभी टेक्स्ट बुक से पढ़ने के लिए
टेक्स्ट बुक का सारे नोट्स देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ सारी क्लासेज ज्वाइन कर लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर 500 रुपये में सारी तैयारी अभी करवाई जा रही है। तो पहले 100 स्टूडेंट का यहाँ पर एडमिशन 500 रुपये में हो रहा था, आप अभी कभी वीडियो देखने के बाद अवश्य आप अपने लिए यहाँ पर कोर्सेज ज्वाइन कर लेंगे। चलिए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या कहाँ रहते थे? एक देखिए, एक चरवाहा का समुदाय है राई का, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल प्रदेश। जेएससी का एक बार पूछा गया प्रश्न है, तो देखिए राई का याद रखिएगा, राई का, ठीक है, राई का में रा है और रा से क्या हो जाएगा बताइएगा, राजस्थान। तो राई का समुदाय के लोग कहाँ रहते थे? राजस्थान में रहते थे, याद रखिएगा, राई का में रा और यहाँ पर राजस्थान, तो राई का समुदाय के लोग राजस्थान में रहते थे। राई का लोग कौन सा मवेशी नहीं पालते थे? याद रखिएगा, राई का लोग जो है कौन सा मवेशी नहीं पालते थे? तो ऊँट, बकरी, भेड़ या मुर्गी। तो देखिए रायका लोग राजस्थान में रहते थे, कहाँ रहते थे याद है आपको, रायका राजस्थान, रायका में रा और रा से राजस्थान, और राजस्थान में ऊँट लोग पालते ही हैं, क्योंकि ऊँट को क्या कहा जाता है, मरुभूमि का जहाज भी कहा जाता है, मरुस्थल का, तो ऊँट राजस्थान मरुस्थल है। बकरी भी यहाँ, बड़े बड़े बकरियाँ पाली जाती है, भेड़ भी यहाँ पर पाला जाता है, लेकिन मुर्गी जो है यहाँ पर नहीं पाला जाता है। तो रायका समुदाय के लोग कौन सा मवेशी नहीं पालते थे? राइट आंसर होगा डी, मुर्गी नहीं पालते थे, ठीक है। देखिए ऊँट लोग ज़्यादा पालते थे। धनगर कहाँ रहते थे? धनगर कहाँ रहते थे? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या गुजरात, ठीक है। धनगर समुदाय के लोग जो है महाराष्ट्र में रहते थे। किन किसानों ने धनगर किसानों का स्वागत किया? किन किसानों ने धनगर किसानों का स्वागत किया? गुजराती, गोला, कोकनी या कोरवा, कौन सा किसान? तो देखिए यहाँ पर कोकनी किसान जो थे वो धनगर किसानों को क्या किया, स्वागत किया था, ठीक है। कौन किसानों का? धनगर किसानों का स्वागत किया था। कौन लोग किए थे? तो ये कोकनी समुदाय के जो लोग हैं धनगर किसानों का स्वागत किए थे। क्यों किए थे? तो देखिए कोकनी किसान जो है वो क्या थे, महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसान को कोकनी किसान कहा जाता था। ये लोग क्या करते थे, धनगर समुदाय के लोग जो थे इस एरिया में आते थे और यहाँ पर जो फसल काटी जाती थी तो उसके ऊपर डंठल के भाग को छोड़ दिया जाता था, ठीक है। तो ये समुदाय क्या करते थे, तो ये धनगर किसानों को बुलाते थे और धनगर किसान के मवेशी जो होती थी ये छोटे हुए घासों को खाती थी और उसके बदला में जो है गोबर छोड़ जाती थी, जिससे किसानों की ज़मीन उपजाऊ हो जाती थी। तो अपने बदले में, अपने फायदे के लिए लोगों ने कोकनी किसान जो है ये धनगर किसानों का स्वागत किया था, जिससे उनका उपला जो है और भूमि पैदवार हो जाता था। निम्न में से किस राज्य में बंजारा नहीं पाया जाते हैं? बंजारा से एक समुदाय है जो चरवाहा समुदाय, वो किस राज्य में नहीं पाया जाता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या पंजाब या उड़ीसा। देखिए ये जो बंजारा समुदाय है ये बहुत अधिक जगहों पर पाए जाते हैं लेकिन बहुत कम जगहों पर नहीं पाए जाते हैं, तो ये उड़ीसा में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अगला है, अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया गया था? 1861 ईस्वी, 1871 ईस्वी, 1891 ईस्वी या 2001 ईस्वी में, ठीक है। अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया गया? देखिए अपराधी जनजाति अधिनियम जो है ये आपको 1871 ईस्वी में पारित किया गया था और चरवाहे से टैक्स लेने के लिए अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया गया था, क्योंकि अंग्रेज लोग जो थे तो यहाँ पर चरवाहे क्या होते थे, देखिए चरवाहे घुमंतु होते थे, वो तो आज यहाँ रहते थे कल दूसरे जगह चले जाते थे, तो इससे अंग्रेज को क्या होता था, टैक्स लेने नहीं बनता था। इसलिए उन्होंने क्या नियम पारित कर दिया, अपराधी जनजाति अधिनियम। इस अधिनियम में क्या होता था, तो जो अब चरवाहे थे उनको सीमित जगह दे दिया गया था, वहाँ पर ही वे लोग चारागाह का काम कर सकते थे, चरवाहे काम कर सकते थे, और इसके बदले में उन्हें क्या करना पड़ता था, टैक्स चुकाना पड़ता था। तो यही अपराधी जनजाति अधिनियम बना करके चरवाहों को एक निश्चित जगह दे दिया गया और उसके बदले उसे टैक्स लेना पड़ा, तो इससे जो है अंग्रेज़ों को फायदा था। 1947 ईस्वी के बाद चरवाहा समुदाय के लोग कौन सा नदी नहीं पार कर पा रहे थे? 1947 ईस्वी बाद जो चरवाहा समुदाय अब तक जो थे वो फ्री थे, वो कहीं भी जा करके चरवाही का काम कर सकते थे, लेकिन 1947 ईस्वी के बाद यानी जब भारत देश स्वतंत्र हो गया उस बाद वो कौन सी नदी पार नहीं कर पा रहे थे? गंगा नदी, कावेरी नदी, यमुना नदी या सिंधु नदी। गंगा नदी अपने देश की, यमुना नदी अपने देश की, कावेरी नदी अपने देश की, लेकिन सिंधु नदी जो ये बॉर्डर है ये आपको नहीं पार कर पा रहे थे चरवाहा समुदाय के लोग, क्योंकि भारत पाकिस्तान का विभाजन हो चुका था, ठीक है, तो ये सिंधु नदी है। अफ्रीका में कौन सा चरागाह समुदाय है? बेदुइंस, बर्बर्स, मसाई या सभी, ठीक है। तो अफ्रीका में बेदुइंस भी है, बर्बर्स भी है, मसाई भी है, सभी है, ठीक है। सोमाली, बुरान, खोर्स और तुकराना भी पाया जाता है। देखिए अफ्रीका में जो प्रजाति है चरवाहों की वो सबसे अधिक पाई जाती है। कभी कभी यह भी बोला जाता है कि कहाँ पर जो है जनजातियों का समाज, चरवाहों का समुदाय जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा अफ्रीका, आगे आपको मिलेगा भी।
तो अफ्रीका में बहुत तरह के चरवाहों का समुदाय पाया जाता है, मतलब 12-15 जो समुदाय है उसमें से 7-8 समुदाय जो है आपको अफ्रीका में ही मिल जाते हैं देखने को। तो उसमें बेदूंस है, बर्बेर्स है, मसाई है, और उसके अलावा सोमाली है, बुरान है, खोर्स है, तुकराना, इस तरह से देखिएगा तो 7 समुदाय यहाँ पर लगभग पाए जाते हैं। तो 12 में से 7 यानी सबसे ज़्यादा वहीं होते हैं। मसाई के किन चरागाहों को शिकारगाह बना दिया गया? मसाई में जो बहुत से चरागाह थे उसको क्या कर दिया गया था? शिकारगाह बना दिया गया था। तो मसाई मारा नेशनल पार्क को, सांब्रू पार्क को, सेरेनगटी पार्क को, या सभी को? तो देखिए, जो मसाई के चरागाह स्थल था, मसाई मारा, सांब्रू पार्क, सेरेनगटी पार्क, इन सभी को जो है अब क्या बना दिया गया था? शिकारगाह बना दिया गया था, शिकार खेलने का जगह बना दिया गया था। अब इसमें जो है यहाँ पर चरागाह के लिए जाना मना कर दिया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा गया है बहुत सारे चरागाहों को शिकारगाह बना दिया गया था, जैसे किनिया में मिसाई मारा, सांब्रू नेशनल पार्क, और तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क, जैसे शिकारगाह इसी तरह से अस्तित्व में आए थे, शुरुआत इसी तरह से बनाया गया था। ठीक है, सेरेंगेटी नेशनल पार्क किस देश में है? अमेरिका में, अफ्रीका में, ईरान में, या भारत में? तो याद रखिएगा सेरेंगेटी आया हुआ प्रश्न है ना, ये अफ्रीका में है। अफ्रीका में कहाँ पाया जाता है? तो अफ्रीका के तंजानिया में पाया जाता है सेरेंगेटी नेशनल पार्क, अफ्रीका के तंजानिया में। वरिष्ठ जन का मसाई समुदाय में क्या काम था? देखिए मसाई समुदाय जो था, मसाई समुदाय ये दो भागों में बट गया था। ठीक है, एक वरिष्ठ जन थे, एक वरिष्ठ जन थे, और एक था आपका योद्धा, सिपाही जन। ठीक है, तो वरिष्ठ लोग क्या करेंगे? वरिष्ठ लोग सभी चीज का जानकार होते हैं, तो वो विचार विमर्श का काम करते थे। ठीक है, और योद्धा लोग क्या करते थे? तो शांति और युद्ध की लड़ाई के लिए तत्पर रहते थे। ठीक है, तो ये विचार विमर्श का काम करते थे। यहाँ पर देखिएगा नोट्स बना हुआ है कि मसाई लोग जो है दो तरह से काम करते थे, ये लड़ाकू जन थे जो लड़ाई झगड़ा और शांति काम करते थे। अगला है, अब झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 को बहुत ही आसान तरीकों से पास कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं, लेकिन आपको सिलेबस को समझना होगा, आपको यहाँ पर परीक्षा को समझना होगा, नहीं तो बहुत सारे प्रश्न तो इतने अनलिमिटेड है जिसकी कभी भी कल्पना नहीं की जा सकती है, याद ही नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर उससे भी अच्छा है कि ज़्यादा प्रश्न ना पढ़े, कम प्रश्न ही पढ़े और अधिक मार्क्स उठाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जुड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है? तो देखिए, उसके लिए आपको है कि यहाँ पर जैक की तरफ से जो JCERT टेक्स्ट बुक बनाए गए हैं झारखंड के लिए स्पेशल, आपको उसका टेक्स्ट बुक को लेकर के पढ़ना होगा। ठीक है, यदि आपको टेक्स्ट बुक मिल जाते हैं तो आप वहां से नोट्स बना के पढ़िएगा, बाकी जगह का कुछ भी मत देखिए। आपको अभी भी हम बता देते हैं, कुछ भी मत देखिएगा, नहीं तो वहां से एक प्रश्न भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अब यहां पर आपको अगर किताब मिल जाता है तो आप खुद तैयारी कर लीजिए, और नहीं मिल पाता है तो आपको यहाँ पर देखिए, हम आपके सारे यहाँ पर चैप्टर वाइज नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको हम दे रहे हैं सारे सब्जेक्ट का, आपको यहाँ पर क्लास वाइज, क्लास 8, क्लास 6, क्लास 9। तो अभी आप किसका देख रहे थे? क्लास 9 का एक्सरसाइज 5 देख रहे, तो ऐसी सारे एक्सरसाइज को हम आपको MCQ के रूप में करवा दिए हैं, साथ साथ उसके नोट्स भी करवा दिए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अभी कितने? तो 500 रुपये में आप जुड़ सकते हैं, नहीं तो जब 100 कैंडिडेट हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर कितने लगेंगे? 1000 रुपये लगेंगे। तो ये पैसे के मोने देखेंगे, आप जल्दी जुड़ जाएंगे और अच्छे रिजल्ट के लिए यही सब चीज़ों को पढ़िएगा। चलिए देखते हैं आगे महत्वपूर्ण प्रश्न। उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के चरवाहा समुदाय को क्या कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में सब जो चरवाहा समुदाय थे उसको क्या कहा जाता था? बंजारा। क्या कहा जाता था? बंजारा। बंजारा फिल्म भी, गाना भी है, लोग सभी लोग जगहों पर लगभग मिलते हैं बंजारे लोग। कबीलों की सुरक्षा और लड़ाई का कार्य मसाई समुदाय में किसका था? देखिए मसाई समुदाय जो था आपको बताएं दो भागों में बटा था, एक वरिष्ठ जन और एक योद्धा। वरिष्ठ जन क्या करते थे? तो ये अच्छी अच्छी विचार देते थे, लेकिन योद्धा जन क्या करते थे? लड़ाई झगड़ा करते थे और शांति का काम भी रखते थे। तो ये योद्धा हो जाएगा इसका राइट आंसर। दुनिया की आधी से अधिक चरवाहा की आबादी कहाँ रहती है? दुनिया में बहुत से देखिए चरवाहों का नस्ल है, वो कहाँ रहती है आपको बताना है? अफ्रीका, अमेरिका, भारत या रूस? तो सबसे अधिक अभी आपको बताए थे जो चरवाहों की प्रजाति है, उस 12 लगभग प्रजाति मानी जाती है, उसमें से 7 से 8 प्रजाति आपको अफ्रीका में ही देखने को मिल जाता है। तो आधे से अधिक चरवाहों की आबादी कहाँ रहती है? अफ्रीका में रहती है, याद रखिएगा। ठीक है, चरवाहों के जो 10-12 समुदाय थे उनमें से अधिकतर समुदाय के लोग अफ्रीका में ही पाए जाते थे, इसलिए ये चरवाहा समुदाय। चरवाहा कहाँ रहते थे? चरवाहे कहाँ रहते थे आपको बताना। ठीक है, चरवाहे पठारों पर रहते थे, मैदानों में रहते थे, रेगिस्तान में रहते थे, सभी। तो चरवाहे जो है अपने सीजन के अनुसार, अपने ऋतु के अनुसार, अपने पशुओं के अनुसार, वो पठारों में भी देखने को मिलते थे, मैदानों में भी मिलते थे, रेगिस्तान में भी मिलते थे। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ये सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। जम्मू और कश्मीर में पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं गद्दी, गोला, गुजर, बकरपाल या धांगा। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में तो यहाँ पर गुज्जर बकरवाल पाए जाते हैं। ठीक है, और देखिएगा गोला कहाँ पाया जाता है, गोला देखिए यहाँ पर गोला कर्नाटक और महाराष्ट्र पाए जाते हैं। गद्दी कहाँ पाया जाता है, तो गद्दी हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। सभी देखिए चरवाहों की प्रजाति आप देख लीजिएगा, यहाँ से पूछा जाता है। गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर में, धंगर महाराष्ट्र में, रायका राजस्थान में, और अफ्रीका में जो प्रचलित जनजाति वो मसाई है। ठीक है, परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाला अधिकार क्या कहलाता है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारे रीति रिवाज है, उसके आधार पर जो हमको अधिकार मिलता है वो क्या कहलाता है, परंपरागत अधिकार, वंशानुगत अधिकार, मौलिक अधिकार या कोई नहीं। ठीक है, तो परंपरा के आधार पर जो मिलता है उसको हम लोग कहते हैं परंपरागत अधिकार। क्या कहते हैं, परंपरागत अधिकार। मसाई लैंड के दो बराबर हिस्से कब बनाए गए थे, मसाई जो है उनको दो हिस्सों में बांटा गया था, वो कब बनाए गए थे, 1875, 1885, 1895, 1905 ईस्वी। राइट आंसर होगा 1885 ईस्वी में मसाई लैंड को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया गया था, जिसमें एक थे वरिष्ठ जन जो विचारधारा देते थे और दूसरे थे योद्धा जो लड़ाई और झगड़ा को शांत रखते थे। ठीक है, बंजारे रहते थे, बंजारे कहाँ रहते थे बताइए, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, उपरोक्त सभी। तो बंजारे लगभग सभी जगहों पर मिलते थे, उड़ीसा में नहीं मिलते हैं। ठीक है, किन किन स्थानों के चरवाहे सर्दी गर्मी के हिसाब से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, पठारों के, मैदानों के, रेगिस्तानों के या पहाड़ों के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहाड़ पर जो चरवाह लोग रहते हैं वो अपने मौसम के आधार पर वो चेंज करते रहते हैं, कभी वे पहाड़ के ऊपर होते हैं तो कभी पहाड़ के नीचे होते हैं। निम्न में से किन स्थानों के चरवाहे बरसात और सूखे के मौसम के हिसाब से अपना जगह बदलते हैं, पठारों के, मैदानों के, रेगिस्तान के या उपयोग सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा उपयोग सभी, जगह के लोग जो है अपना मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं। मालधारी चरवाहा समुदाय के लोग कहाँ रहते थे, मालधारी चरवाहा समुदाय के लोग कहाँ रहते थे, बाड़मेर में, जोधपुर में, कच्छ के रण में, जैसलमेर में। तो ये कच्छ के रण में जो है मालधारी चरवाहा समुदाय के लोग रहते थे। किस कानून के तहत अंग्रेज सरकार गैर खेतियर जमीन को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सौंपने लगी, प्रतिभूमि नियमावली, अपराधी जनजाति अधिनियम, वन अधिनियम, चरवाही टैक्स नियम। ठीक है, तो ये था आपके प्रतिभूमि नियमावली के आधार पर प्रतिभूमि को अपने अधिकार में लेकर कुछ लोगों को बांटने लगे थे। अपनी आय को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लागू किया प्रतिभूमि नियमावली, अपराधी जनजाति अधिनियम, वन अधिनियम या चरवाही टैक्स, क्या लागू किया था अपनी आय को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने। ठीक है, अंग्रेजों ने अपनी आय को बढ़ाने के लिए देखिए चरवाही टैक्स को लागू किया था। इस तरह जेटेट की संपूर्ण तैयारी करने के लिए आप अभी हमारे साथ जरूर जुड़ जाएंगे। यदि आप कम प्रश्न देख करके अधिक मार्क्स उठाना चाहते हैं तो आपके लिए एक ही विकल्प है, जेसीईआरटी टेस्ट बुक। तो जेसीईआरटी टेस्ट बुक का सारा नोट्स और पीडीएफ यहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, चैप्टर वाइज बनाए हुए हैं, क्लास वाइज बनाए हुए हैं, सभी सब्जेक्ट यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से आपको तैयारी करवाई जा रही है। तो आप सभी यहाँ पर अभी कभी जरूर जुड़ लीजिएगा, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इसके लिए सभी को बहुत बहुत